हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। जो बच्चे सेकंड ईयर में है, डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, यानी कि थर्ड सेम उनका चल रहा है, तो उनके पास बिल्डिंग ड्रॉइंग है। बिल्डिंग ड्रॉइंग का हम यहाँ पर आपको फुल्ली पैनल डोर का क्वेश्चन आपको कराएंगे। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में है, यानी कि उनका फिफ्थ सेम इस समय चल रहा है, ठीक है, तो सब आपका सब्जेक्ट है वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका हमने आपका पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है। पेड कोर्स आपको 80% ऑफ पर, यानी कि 1000 रुपये का कोर्स आपको 199 रुपीज में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स खरीदने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाइए, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग वहां पर लिखिए, वहां पर हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा। गुरुजी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और आप हमारा पेड कोर्स वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, यानी कि जो बच्चे थर्ड ईयर में है फिफ्थ सेमेस्टर में, वो हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, प्रीवियस ईयर आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा हो ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको वो क्वेश्चन आपके पेड कोर्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आपका लेक्चर। लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे आज पैनल डोर। पैनल डोर आपके किसमें? बिल्डिंग ड्राइंग में है। बिल्डिंग ड्राइंग का पैनल डोर का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको, चलिए देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बनाना है ड्रॉ फ्रंट एलिवेशन एंड वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए 6 पैनल्ड डबल लीफ डोर, ठीक है। आपको क्या 6 पैनल डोर बनाना है। कितने पैनल दिखा रहे हैं इसमें? 6 पैनल। इसमें इसमें ओपन कर दिए कि कितने पैनल का आपको बनाना है, 6 पैनल। नहीं तो हम 2 पैनल 4 पैनल या 2 पैनल का भी कंप्लीट कर सकते थे। आपको क्या पैनल डोर, ठीक है, डबल लीफ, 2 पल्लों वाला दरवाजा है, जिसका साइज है 2.1 × 1.20 मीटर। यूज योर ओन डाटा, ठीक है, आप डाटा मान सकते हैं, एज्यूम सुटेबल डाटा, ठीक है। इस डेटे को आपको याद रख लेना है, लगभग लगभग सभी क्वेश्चन में ये आपको यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेम साइज दिया गया है, फ्रेम साइज है 8 × 10 सेंटीमीटर का। रिवेट आपका साइज है 1.5 × 4 सेंटीमीटर का। हॉर्न आपको दिया है 15 सेंटीमीटर का, 10 to 15 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। स्टाइल आपको दिया गया है 10 to 4 सेंटीमीटर। ये स्टाइल कौन कौन से? हैंगिंग स्टाइल और मीटिंग स्टाइल दोनों होते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं वो आपको बता दूंगा। टॉप रेल आपको 10 × 4 सेंटीमीटर की है। फ्रिज रेल आपकी 10 × 4 सेंटीमीटर की है। रोक रेल आपकी 180 × 4 सेंटीमीटर की है। बॉटम रेल आपकी 200 × 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर सभी में 4 सेंटीमीटर क्या है? 4 सेंटीमीटर है जो आप यहाँ पर लीप लगा रहे हैं, डोर डोर का जो पल्ला लगा रहे हैं, उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है, उसको वो हमारी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? फ्रेम। सबसे पहले हमें फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम की हाइट और विड्थ देख लेते हैं। हाइट और विड्थ आपकी कितनी है? 2.10 मीटर × 1.20 मीटर। क्लियर है? मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करने का, 210 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इतनी ये एक्चुअल डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है, इससे तो हम ड्रॉइंग बना नहीं सकते। 210 सेंटीमीटर आप कहाँ पर स्केल दिखा दोगे? तो आपको क्या करना पड़ता है, स्केल एज्यूम करनी होती है। तो मैंने क्या किया, स्केल यहाँ पर एज्यूम की, तो मैं ले रहा हूँ 1:10 की। मैंने कितनी स्केल ली? 1:10 की। तो इसको भी मैंने 10 से डिवाइड किया और इसको भी मैंने 10 से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर और ये मेरे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर स्केल लीजिए, स्केल को सबसे पहले 0 पर सेट करें। 0 पर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर लेना है। तो मैं ले लेता हूँ, ये मेरी 15 सेंटीमीटर हाइट की वर्टिकल स्केल है। 15 में मैं 6 सेंटीमीटर और ऐड कर देता हूँ। 15 में मैं कितना? 6 सेंटीमीटर मैंने और ऐड किया और यहाँ पर ये मेरी बन गई 21 सेंटीमीटर की। अब कितना दिखाना है मुझे? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं 12 सेंटीमीटर लेकर आया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, 15 सेंटीमीटर यहाँ और 6 सेंटीमीटर और ले लेता हूँ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर में और नीचे ले लेता हूँ और ये मेरा क्या है, यहाँ पर दिखाइए फ्लोर लेवल, ये हमारा फ्लोर लेवल है, इसको कीजिए रफ। अब देखो
आपका जो साइज है किसका, फ्रेम का साइज है 8 × 10 cm, तो आपको 10 सेंटीमीटर यहां पर शो होगा। 10 सेंटीमीटर, 10 को आपने डिवाइड किया, 8 को आपने डिवाइड किया 10 से, 8 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आ गया 0.8 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूं 8 mm। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, 8 mm का फ्रेम लेना है। कितने का फ्रेम लेना है, 8 mm का। तो यहां पर आए, मैंने 8 mm का फ्रेम लेने के लिए पॉइंट मार्क किया और यहां पर लाइन ड्रॉ की। फिर इस साइड आए, 8 mm का मैंने फ्रेम लिया और यहां पर भी मैंने लाइन ड्रॉ की। 8 mm का फ्रेम लेने के बाद मैंने यहां पर ये वर्टिकल पोस्ट बन गया मेरा, और इधर भी 8 mm मैंने लिया और ये मेरा वर्टिकल पोस्ट, हॉरिजॉन्टल पोस्ट। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, हॉर्न। देखो ये आउटर साइड होती है हमारी, जो हाइट और विड्थ होती है, इसके इनर वर्क, इनर साइड में हम वर्क करना है। अब देखते हैं हम हॉर्न, हॉर्न आपको 15 सेंटीमीटर का दिया गया है। 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, इस स्केल से डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से आपको लेना है, 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया, मैं एक्चुअल आपको दिखा रहा हूँ। और यहां से आइए और इसको भी 1.5 सेंटीमीटर लो और इसको कर दो रफ। इसको क्या कर दो, यहां से रफ। सेम ऐसे ही आपने 1.5 सेंटीमीटर आगे की ओर यहां पर लिया और 1.5 सेंटीमीटर आपने यहां पर आगे की ओर लिया और इसको किया रफ। ठीक है, ये आपने होल निकाल दिया। अब बात करते हैं मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ। 12 सेंटीमीटर का सेंटर कहाँ पर होगा, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का सेंटर कहाँ पर होगा, 6। तो यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ऊपर लेकर जाता हूँ, तो मैं वर्टिकल लाइन ऊपर लेकर गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं रिबिट। रिबिट का साइज है मेरे पास 1.5 × 4, तो 1.5 पर हम बात करेंगे। इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0.15 सेंटीमीटर आ गया, जिसको मैं बोल सकता हूँ 15 mm। ठीक है, तो 1 mm आपको क्या दिखानी है, रिवेट शो करनी है। तो 1 mm की मैंने यहाँ पर रिवेट शो की। 1 mm की रिवेट शो करने के लिए आपको डॉटेड ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। रिवेट शो करने के लिए आपको क्या शो बनानी है, रिवेट लाइन बनानी है, और वो भी डॉटेड, क्योंकि आपको फ्रंट से दिखाई नहीं देगी तो आप उसको डॉटेड दिखाइए। जो चीज आपको दिखाई नहीं देती उसको आप डॉटेड शो कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने 1 cm लिया और पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर भी मैंने डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ की। ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ की। सेम ऐसे ही 1 cm में 0.1 mm इस साइड आए और यहाँ पर भी मैंने डॉटेड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की। क्लियर है, तो ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ की। ओके, अब देखो ये मेरी बन गई रिबिट, ये मेरी रिबिट बन गई यहाँ पर ये। अब देखो, अब हम चलते हैं क्या स्टाइल, ये क्या है आपका मीटिंग स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल। 10 सेंटीमीटर, 10 को आपने डिवाइड किया 10 से तो आपके पास आ गया 1 cm। 10 4 cm का थिकनेस है तो 10 cm का इधर दिखाइए, इधर आता है आपका हैंगिंग स्टाइल। तो 1 cm आपने इस साइड लिया, 1 cm आपने इस साइड लिया, 1 cm इस साइड और 1 cm लिया आपने इस साइड। ठीक है, और ये यहाँ पर दिखाया हैंगिंग स्टाइल, यहाँ जो साइड में लगाते हैं इसको हैंगिंग स्टाइल, ये 10 cm का हैंगिंग स्टाइल है। क्लियर है, मीटिंग स्टाइल बनेगा दोनों के साइड बीच में, तो मीटिंग स्टाइल यहाँ पर दिखाइए। 1 cm इधर लेना है आपको, 1 cm, तो 1 cm आपने इस साइड लिया और 1 cm लिया इस सेंटर लाइन के इस साइड, 1 cm लिया आपने इस साइड। क्लियर है, तो 1 cm आपने इस साइड शो किया। ओके, 1 cm आपने इस साइड शो किया और यहां पर अब 1 mm छोड़कर रिबिट शो कर दी। एक एम एम यहां पर छोड़ा और क्या शो किया आपने, रिबिट शो की, क्योंकि यहां पर भी आपकी रिबिट बनेगी जो आपको आउटर साइड से दिखाई नहीं देगी। तो 1 cm पर आपने यहां पर डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ की। अब देखो, सबसे पहले टॉप रेल और हम बॉटम रेल पर बात करते हैं। टॉप रेल है आपकी 10 × 4 cm, तो 10 को आपने 10 से डिवाइड किया तो 1 cm, तो 1 cm लो ऊपर,
अर्बन सेंटीमीटर लेकर टॉप रेल शो कर दो, ये है आपकी टॉप रेल यहाँ पर, ये आपकी टॉप रेल यहाँ पर, बॉटम रेल देखो कितनी है 200 × 4 सेंटीमीटर, तो 200 mm को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास कितना आ गया 20 mm, या आप बोल सकते हो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 200 mm है, ठीक है, ये सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, तो यहां पर आपको कर देना है 20 सेंटीमीटर, और ये आपको कर देना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान दे लीजिएगा, ठीक। अब बॉटम रेल आपकी कितनी है 200 mm या 20 सेंटीमीटर, 20 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लेना है आपको 2 सेंटीमीटर, तो पॉइंट मार्क किया और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाया और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाया। अब देखो, अब हमें बनाना है लॉक रेल, लॉक रेल हम कहाँ पर बनाएंगे, लॉक रेल बनाएंगे हम 18 × 4 सेंटीमीटर का, बट लॉक रेल बनाते कहाँ पर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। लॉक रेल हम बॉटम से 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की हाइट पर बनाते हैं, लॉक रेल हम बॉटम से क्या, कहां से, बॉटम से 1 मीटर की हाइट पर, 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर लिया तो 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो कितनी हाइट पर, बॉटम से मैंने 10 सेंटीमीटर की हाइट ली, कहां से, बॉटम से मैंने 10 सेंटीमीटर की हाइट ली और यहां मुझे मिला सेंटर पॉइंट, ये मिला, ठीक है, ये सेंटर मिला, तो यहां पर मेरा क्या बनेगा, लॉक रेल बनेगा। अब लॉक रेल कितना है आपका 18 सेंटीमीटर का, 18 को आपने डिवाइड किया 10 से तो आपके पास 1.8 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आप 9 mm इस साइड ऊपर, इस सेंटर लाइन से 9 नीचे, तो आपने क्या किया 9 mm नीचे और 9 mm ऊपर, पॉइंट मार्क किया यहां और यहां, और आपने क्या दिखाया यहां पर लॉक रेल, ये है आपका लॉक रेल, ये आपका लॉक रेल, ठीक है। अब जो नीचे है, दो पैनल ऊपर बना दो और एक पैनल नीचे बना दो। अब देखो, दो पैनल बनाने के लिए ये डिस्टेंस देखिए आपके पास कितनी बच गई है, ये डिस्टेंस देखिए आपके पास कितनी बच गई है, ठीक है, जो ये डिस्टेंस बची है, ये देखो यहाँ इससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी है, ये बीच बीच की डिस्टेंस देखनी है आपके पास कितनी बची है, ठीक है, जो ये डिस्टेंस बची है इसका मिड पॉइंट पकड़िए, इसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट मार्क कीजिए, ठीक है, पैनल का आपको साइज नहीं दिया जाता, आपको लगाने पड़ते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क किया और क्या दिखाई, फ्रिज रेल कितनी है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से 0.5 mm ऊपर और 0.5 mm नीचे मैंने पॉइंट मार्क किया, ठीक है, और क्या बनाई, फ्रिज रेल बनाई, यहाँ पर क्या बनाई, फ्रिज रेल, तो ये मैंने बनाई फ्रिज रेल, ये हो गई मेरी फ्रिज रेल। फ्रिज रेल मैंने कैसे ली है, ये जो साइज बचा था ऊपर इसको मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच में मिड पॉइंट में सेंटर लगाया और सेंटर लगा के 0.5 mm ऊपर, 0.5 mm ऊपर लिया, नीचे लिया और 1 mm का दिखाया। अब देखो, ऊपर 4 पैनल बन गए और नीचे 2 पैनल बन गए, कितने पैनल हो गए हमारे, 6 पैनल, डबल लीफ डोर आपको दिया था तो 6 पैनल बन जाएंगे। अब आपको देखिए क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ऊपर का पैनल है उसके चारों ओर 1 mm की डायमेंशन शो कर दो, 1 mm इस साइड और जी 1 mm इस साइड लेना है और भाई 1 mm आपको इस साइड लेना है और 1 mm यहां पर लेना है, ठीक है, ये लेना है और 5 mm 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का आपको गैप छोड़ना है, 5 सेंटीमीटर मतलब 10 से आपने डिवाइड किया तो 0.5 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हो 5 mm, तो 5 mm आपको लेना है, तो 5 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क किया, 5 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क किया, 5 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क किया और 5 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क किया और इनको मिलाया यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ मिलाई, इसको यहाँ पर मिलाया, इसको यहाँ पर मिलाया और इसको यहां पर ऐसे मिलाया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब स्केल लीजिए और इनको ऐसे मिला दीजिए, जो ये है कॉर्नर यहां पर मिलाइए, ये कॉर्नर यहां पर ऐसे मिलाइए, इस साइड का यहां पर ऐसे मिलाए और ये यहां पर ऐसे मिलाइए, ठीक है,
सेम ऐसे ही आपको सभी में वर्क करना है। 1 mm आपने 1 mm का पोर्शन का गैप यहां पर छोड़ा, 1 mm इस साइड और 1 mm आपने इस साइड लिया और 1 mm आपने यहां पर इस साइड लिया और 1 mm आपने यहां पर इस साइड लिया और 5 mm का सेम गैप यही ले लो। इसकी प्रोजेक्शन लाइन, इसकी ही प्रोजेक्शन लाइन ये लेके यहां पर जाओ, ये लाइन यहां ड्रॉ करो, इसी की प्रोजेक्शन लाइन आप यहां पर लेके जाओ, ये लाइन ड्रॉ करो और 5 mm आपको इस साइड से लेना है। 5 mm पर ये पॉइंट मार्क किया, यहां पर इसको बनाया, 5 mm पर ये पॉइंट मार्क किया और यहां पर इसको बनाया, ठीक है। अब इसको यहां मिलाइए स्केल के, इसको स्केल से यहां मिलाइए, इसको स्केल से यहां मिलाइए और इसको यहां। अब देखो दो पैनल आपके ऐसे कंप्लीट हो गए, ऐसा आपको पैनल बनाने हैं। सेम ऐसे ही आपको करना है यहां पर, 1 mm का गैप आपने यहां पर लिया यानी कि 1 mm यहां पर दिखाया और 1 mm आपने यहां पर शो किया, क्लियर है, और 1 mm आपने ऊपर की ओर यहां पर शो किया, ठीक है। यहां पर भी हम शो कर देते हैं और यहां पर भी हम ऐसे ही 1 mm का गैप यहां पर शो कर देते हैं, 1 mm और 1 mm सेम ऐसे ही यहां पर भी शो कर देते हैं। 1 mm इस साइड लेना आपको और 1 mm आपको इस साइड लेना, क्लियर है। अब 5 mm यहां पर आइए, इसकी प्रोजेक्शन लाइन लो, 5 mm यहां पर आइए, इसी की प्रोजेक्शन लाइन लो 5 mm। अब 5 mm इधर से पॉइंट लो, इधर से पॉइंट आपने लिया, यहां पर इसको ड्रॉ किया, इधर से लिया, यहां पर ड्रॉ कीजिए, यहां पर 5 mm यहां पर लीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए और 5 mm यहां पर इसको ड्रॉ कीजिए। अब 5 mm की प्रोजेक्शन लाइन ऊपर से ले लो, इसको यहां ड्रॉ करो और 5 mm की प्रोजेक्शन लाइन ऊपर से ले लो, इसको यहां ड्रॉ करो और यहां पर मिला दो, इसको यहां मिलाइए, इसको यहां पर मिलाइए, इसको यहां पर और इसको यहां पर, वर्टिकल स्केल से मिलाना है आपको। अब सेम वर्क आपको करना है इन दोनों पैनल में, 1 mm है तो 1 mm की प्रोजेक्शन लाइन लेकर आए हम ऊपर से, 1 mm ये है तो 1 mm की प्रोजेक्शन लाइन हम यहां पर लेकर आए और लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, ऐसे ही 1 mm की प्रोजेक्शन लाइन मैंने यहां से ली और मैंने लाइन यहां पर ऐसे ही ड्रॉ की, सेम ऐसे ही यहां पर आइए, 1 mm का गैप है, 1 mm के गैप पर प्रोजेक्शन लाइन आपने यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दी इसकी, ठीक है, पैनल बनाने के लिए, और यहां से भी पैनल बनाने के लिए 1 mm आपने यहां पर ड्रॉ की और 1 mm आपने लिया ऊपर, 1 mm आपने यहां पर लिया और 1 mm आपने यहां पर ऐसे लिया, सेम ऐसे ही ये यहां पर आइए, 1 mm आपने यहां, 1 mm यहां पर, ठीक है। 1 mm का मतलब होगा आपको 1 cm। अब देखो 5 mm है, 5 mm है तो 5 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको लेकर आइए, 5 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको यहाँ लेकर आइए, 5 mm की ये देखो ये नहीं मिलाया था मैंने, इसको भी ऐसे मिला दो यहाँ पर मिलाइए, यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक, ऐसे ही 5 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको लेकर आइए नीचे, 5 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको लेकर आइए नीचे, क्लियर है। और 5 mm आप इस साइड से लेना है आपको, 5 mm ये और 5 mm ये, सेम ऐसे ही 5 mm का गैप यहाँ पर छोड़िए और ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और इनको इधर मिला दो, इसको यहाँ पर मिला दो, इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अब ऐसे आपका क्या बन गया, फ्रंट एलिवेशन, ये आपका क्या बन गया, फ्रंट एलिवेशन। कितने पैनल है, 6 पैनल, 6 पैनल का हमने फ्रंट एलिवेशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये यहां से लेकर टॉप तक की हाइट कितनी है, यहां से लेकर टॉप तक की टोटल हाइट कितनी है, यहां से लेकर टॉप तक की आपकी हाइट है 2.10 meters, 2.10 meters, और ये यहां पर कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की, यहां तक आउटर साइड से आउटर साइड तक की विड्थ कितनी है टोटल, ये विड्थ है आपकी 1.20 meters, ठीक है। अब देखो यहां तक हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ये था फ्रंट एलिवेशन, हमने क्या बनाया, फ्रंट एलिवेशन। अब देखो सेक्शन देख लेते हैं, एक सेक्शन देखते हैं हम एक्स एक्स सेक्शन, एक सेक्शन देखते हैं हम एक्स एक्स सेक्शन। मैंने इसको यहां से कटिंग किया, ऐसे मैंने कटिंग किया
इस प्रकार, और क्या बनाया, एक्स एक्स सेक्शन। अब जब मैंने यहां से कटिंग करने के बाद मैं टॉप से इसको देखूंगा तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और मैंने देखो सबसे पहले क्या करनी है आपको, यहां पर आइए, जो आपकी वर्टिकल पोस्ट है उसकी प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर जाइए, जो इधर वर्टिकल पोस्ट है उसकी प्रोजेक्शन लाइन यहां पर लेकर जाइए, और पोस्ट कितना ठीक है आपका, ये 8 mm का है तो ये भी थिकनेस, इसकी प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर जाइए, इधर से भी इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहां पर लेकर जाइए। अब ये देखो रिबिट है तो रिबिट का साइज आपको ऐसे लेकर जाना है, तो डॉटेड यहां पर शो कर दीजिए, रिबिट ऐसे शो कर दो डॉटेड, रिबिट कैसे शो कर दो डॉटेड ऐसे शो कर दीजिए रिबिट, इस साइड से भी आपकी जो रिबिट का साइज है उसको डॉटेड यहां पर शो कर दीजिए, रिबिट जो है डॉटेड ऐसा आपने शो की। अब देखो मैं इसको यहां से नीचे से आउटर साइड से ऐसे मिला दे रहा हूं, मैंने इसको मिलाया और यहां से किया मैंने इसको रफ, यहां से मैंने इसको किया रफ, किया रफ करने के बाद अब देखो साइड में आपको कितना दिखाई देगा, देखो साइज फ्रेम का 8 × 10 तो आपको 10 सेंटीमीटर दिखाई देगा, 10 को आपने डिवाइड किया 10 से तो आपके पास आया 1 सेंटीमीटर, कितना आया आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो साइड में आपको दिखाई देगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहां पर लो और कहां तक आइए रिबिट तक आइए, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर यहां पर लो और कहां तक आएंगे हम रिबिट तक आएंगे। अब रिबिट कितना है आपका 1.5 × 4, 1.5 ये है तो 4 सेंटीमीटर आपको दिखेगा, तो 4 सेंटीमीटर को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.4 सेंटीमीटर आ गया, या आप बोल सकते हैं 4 mm, तो आपको क्या करना है 4 mm नीचे आना है, 4 mm यहां पर नीचे आइए और ये डायरेक्ट मिला दो इस साइड, 4 mm नीचे आइए और डायरेक्ट यहां पर मिला दो और इसको लो ऊपर, जो एक्स्ट्रा ऊपर बच गया उसको कर दीजिए रफ, जो एक्स्ट्रा ऊपर है उसको कर दो रफ ठीक है, और यहां पर भी इसको इधर से रफ कीजिए, इसको इधर से रफ कीजिए ठीक है, इसको यहां से और इसको यहां से। अब देखो ये आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में आपका क्या लगेगा, 4 सेंटीमीटर में आपका लगेगा यहां पर आपका जो लीफ है लीफ लगेगा, ये 4 सेंटीमीटर में लीफ है और ये क्या है आपका पोस्ट, और पोस्ट कैसा आपका वुड का, पोस्ट कैसा आपका वुड का, तो वुड का यहां पर सिंबल शो कर दीजिए, पोस्ट कैसा आपका वुड का। अब देखो इस पोस्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड में ये स्टाइल बना हुआ है तो यहां पर दिखाइए 1 सेंटीमीटर का स्टाइल, और यहां पर क्या है मीटिंग, ये देखो ये सेंटर लाइन है, ये बीच में सेंटर लाइन है और ये है आपका मीटिंग स्टाइल, ये इधर 1 सेंटीमीटर इस साइड और 1 सेंटीमीटर इस साइड, तो ये बीच का मीटिंग स्टाइल है, और ये क्या है आपका हैंगिंग स्टाइल, ये क्या है आपका हैंगिंग स्टाइल इस साइड में, और तो कैसा है ये वुडन, कैसा है ये वुडन, तो ऐसा आप दिखा दीजिए वुडन, ये भी आपका कैसा है वुडन है, तो यहाँ पर वुडन दिखा दीजिए। अब बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बीच में आपको वुड के पैनल दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं पैनल, कैसे लकड़ी के, तो ये लकड़ी के आपको पैनल यहाँ पर शो करने हैं, और कैसे है ठीक है, तो पैनल यहाँ पर शो कर दीजिए, ये पैनल है आपका कैसा लकड़ी का, थोड़ा सा यहाँ से दिखा करो थोड़ा यहाँ, और ये लकड़ी के पैनल है बीच में ठीक है, थोड़ा कम उसमें मैंने बना दिया है तो आपको थोड़ा इस पर वो कर लेना है, इधर से आइए, इधर से आइए और इसको यहाँ मिला दीजिए ठीक है, तो ये बीच में क्या आपके लकड़ी के पैनल है। अब देखो ये जो आउटर साइड है ये किससे, ये आउटर साइड किससे कनेक्ट है, ब्रिक से, दोनों साइड किससे है ब्रिक, ब्रिक साइज आपका, तो आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर नीचे आइए और 1 सेंटीमीटर ऊपर जाइए और इसको आगे लेकर जाओ, इसको आगे लेकर जाओ और यहां पर शो कर दो ब्रिक सिंबल, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर आप नीचे आए और 1 सेंटीमीटर आप ऊपर आए और यहां पर इसको आगे लेकर आए, साइज कितना भी लेकर आ सकते हो आप आगे ठीक है, और यहां पर इसको, और यहां पर क्या करना है, ये ब्रिक है तो 45 डिग्री पर लीजिए और सिंबल शो कर दीजिए ब्रिक, ब्रिक का सिंबल शो कर दीजिए, क्या शो करेंगे आप ब्रिक सिंबल शो करेंगे, ब्रिक सिंबल शो करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको साइज डबल साइज में करके दिखाएंगे जिससे कि आपको पता लग जाए कि जो हम ऊपर सेक्शन बना रहे हैं वो हमें कैसा दिखाई देगा, जो हमने ऊपर सेक्शन बनाया वो हमें कैसा दिखाई देगा ठीक है, जो हमने ऊपर सेक्शन बनाया वो कैसा दिखाई देगा। अरे ये कौन सा सेक्शन है, ये है आपका एक्स एक्स सेक्शन ठीक। अब देखो
ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको करना है, वाई वाई सेक्शन दिखाना है। तो वाई वाई सेक्शन दिखाने के लिए आपने क्या किया, इसको यहां से कटिंग किया। ये जो रहा पैनल डोर आपने बनाया है, जो पैनल डोर आपने इसको बनाया है, यहां पर कटिंग किया, और ये आपका वाई वाई सेक्शन, ठीक है, ये आपका वाई वाई। वर्टिकल सेक्शन की बात की थी तो हमने दिखाया हॉरिजॉन्टल भी, अब वर्टिकल सेक्शन दिखा लेते हैं। तो वर्टिकल सेक्शन दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आइए, यहां पर आए आप, और ये प्रोजेक्शन लाइन यहां से लेकर आए, और ये प्रोजेक्शन लाइन आपने यहां से ड्रॉ की, और एक प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे से डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर रिबिट आप शो कर रहे हैं, ये रिबिट थी, तो रिबिट आपने, रिबिट की प्रोजेक्शन लाइन लेकर आई है, और रिबिट आपने ऐसे, रिबिट आपने ऐसे शो की। अब यहां शो करने के बाद इस लाइन से इसको मिला दीजिए इधर डायरेक्ट, ठीक, और ये जो था इस साइड का कर दो रफ, क्लियर है। अब देखो आपका फ्रेम का साइज, जो पोस्ट वर्टिकल पोस्ट है उसका साइज कितना है, 8 × 10, तो 10 सेंटीमीटर का कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आप यहाँ है और रिबिट तक आएंगे, 1 सेंटीमीटर रिबिट तक आने के बाद 4 सेंटीमीटर चलेंगे, 4 सेंटीमीटर का मतलब, 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा आपका, 4 mm, तो आप यहाँ पर आए और 4 mm यहाँ पर चले, और 4 mm चलने के बाद इसको किया रफ, 4 mm आप यहाँ चले और इसको किया रफ, और इसको डायरेक्ट मिला दो नीचे, ठीक है। ये क्या है आपका, जिसमें लीप, जिसमें आपका पल्ला लगता है 4 mm, तो ये कैसा है आपका वुडन है, तो यहाँ पर वुडन सिंबल दिखा दो, और ये 4 mm का इसको लेकर आइए नीचे, कहाँ लेकर आना है, ये नीचे लेकर आइए, ठीक है, नीचे यहाँ पर लेकर आए। अब देखो इस पे इधर आइए, इस पे दिखा दो ऊपर, सबसे ऊपर पहले देख लेते हैं, इस पर ऊपर देख लेते हैं सबसे पहले, क्या इसके ऊपर लगेगा आपका 15 सेंटीमीटर थिक, क्या लगेगा, 10 साहब ने इसको डिवाइड किया तो 1.5 सेंटीमीटर आपके पास आ गया, क्या लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर लगेगा लिंटल, क्या लगेगा इसके ऊपर लिंटल, 1.5 सेंटीमीटर का, तो 1.5 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर लिंटल शो किया, 1.5 सेंटीमीटर का, तो ये है लिंटल। तो कंक्रीटिंग मैं इसमें शो कर दूं, कंक्रीटिंग मैंने इसके ऊपर शो की, और इसके ऊपर शो कर देते ब्रिक सिंबल, क्योंकि ऊपर तो ब्रिक होगी ना लिंटल लगने के बाद, तो ये है आपकी ब्रिक, ठीक है। और 45 डिग्री पर स्केल को सेट करो, 45 डिग्री पर स्केल सेट करो, और ब्रिक सिंबल यहाँ पर इसमें शो कर दीजिए, ब्रिक सिंबल यहाँ पर इसमें शो कर दो, ठीक है। अब आप स्केल को करो सेट, अब देखिए स्केल को सेट करने के बाद ऊपर आपका क्या है, टॉप रेल, तो यहाँ पर दिखाएंगे टॉप रेल ऐसे काट देंगे, ये आपकी क्या है फ्रिज रेल, तो यहाँ पर दिखाएंगे आप फ्रिज रेल, यहाँ पर आपने क्या दिखाई फ्रिज रेल, ठीक है, ये आपकी क्या है फ्रिज रेल है। अब इसके बाद क्या बनेगा आपका, लॉक रेल बनेगा, ये क्या है लॉक रेल, लॉक रेल है 18 सेंटीमीटर का, तो 18 सेंटीमीटर का लॉक रेल दिखाइए, और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका है बॉटम रेल, तो बॉटम रेल दिखाइए, ठीक है। और ये कैसे है, ये वुडन है, तो वुडन सिंबल आप इसमें शो कर दीजिए इस प्रकार से, वुडन सिंबल इनमें आप इस प्रकार से शो कर दीजिए, ठीक है, ऐसा आपने इसमें वुडन सिंबल शो किए, क्योंकि सभी कैसे हैं, सभी लकड़ी के हैं। अब देखो ये लाइन थोड़ी वो रफ हो गई, इसको सही कर देते हैं, ये थोड़ी रफ हो गई, शो कर देते हैं। अब देखो अब बात कर लेते हैं नीचे, सबसे नीचे यहां पर और सबसे नीचे यहां पर क्या है, बॉटम रेल, बॉटम रेल, ये आपकी बॉटम रेल, साइज क्या है आपका, साइज है 20 × 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपका क्या है यहां पर और यहां पर, ये है आपका लॉक रेल, लॉक रेल, साइज क्या है आपका 18 × 4 सेंटीमीटर का, क्लियर है, ये हो गया आपका लॉक रेल। अब ये क्या है आपका, ये है आपका फ्रिज रेल, ये यहां पर और यहां पर, ये आपका फ्रिज रेल, फ्रिज रेल, ठीक है। साइज क्या है 10 × 4 सेंटीमीटर का, सबसे ऊपर आपका क्या है, सबसे ऊपर आपका है टॉप रेल, ये है आपका टॉप रेल, ठीक है, टॉप रेल आपका 10 × 4 सेंटीमीटर का, ओके। और ये आपके क्या है, ये है पैनल्ड, ये क्या है आपके पैनल, ये कहते हैं आपके पैनल्ड थे,
पैनल्ड, ये आपका पैनल्ड है, पैनल का साइज नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपने बनाया, इनका आपने साइज दिखा दिया, लोक रेल का ये आपका कैसा सेक्शन है, ये आपका वर्टिकल सेक्शन बोल दो या वाई वाई सेक्शन बोल दो, तो मैं वर्टिकल लिख देता हूँ, वर्टिकल सेक्शन, क्योंकि आपको क्या पूछा गया था, दो ही चीज पूछी गई थी, फ्रंट एलिवेशन और वर्टिकल सेक्शन, और ये आपको क्या है, फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, ये आपका है फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, और ये क्या आपका वर्टिकल सेक्शन, ऐसा आपको वर्टिकल सेक्शन बनाना है, और ऐसे आपको क्या बनाना है, फ्रंट एलिवेशन बनाना है। मैंने इसके साथ आपको एक्स एक्स सेक्शन भी आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो दिखा सकते हैं आप, ये आपका क्या है, ये पोस्ट, ठीक, थोड़ा सा वो दिखा दो, पोस्ट, पोस्ट का साइज आपका क्या है, 8x10 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये पोस्ट है आपका। ये आपका क्या है, ये हॉर्न, ये हॉर्न है आपका, हॉर्न आपने कितना लिया है, 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का हॉर्न लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं आप जो शो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, किसका, पैनल डोर का। और कितने पैनल, 6 पैनल डोर आपको बताया गया था, इसमें ओपन भी कर दिया कि आपको 6 पैनल डोर बना के दिखाना है, तो हमने 6 पैनल डोर ही यहाँ पर बना के दिखाया आपको, ठीक है। तो आपको पैनल डोर इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।